दोस्तों नमस्कार, आइए बात करते हैं कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में। भारत सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों देश के निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय और वैसे तबकों के लिए जो प्राकृतिक आपदाओं या किसी प्रकार की समस्याओं को अपने आप से फिर से पुनर्स्थापित करके उन आपदाओं को सह के अपने आप को फिर से सही ढर्रे पे चलने में असमर्थ पाते हैं, सरकार उनके लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आते हैं। केंद्र सरकार की भी योजनाएं होती हैं, राज्य सरकार की भी योजनाएं आती हैं। तो मैं सोचा कि चलो एक सीरीज छोटी सी बनाई जाए आप लोगों को, यानी जो स्टूडेंट्स हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, मध्यम वर्गीय हैं, निम्न वर्गीय हैं, उनको सरकार द्वारा प्रदत्त सरकारी योजनाओं के बारे में एक जानकारी एक वीडियो सीरीज के माध्यम से मिलती जाए। उसकी शुरुआत में चलिए आज झारखंड सरकार की योजनाओं के बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से एक एक योजनाएं बताऊंगा, एक एक वीडियोस के। आप वीडियोस को देखिए, योजनाओं को समझिए। हो सकता है कोई योजना आपके लिए होंगी जो आपको मदद कर सकती है आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने। तो चलिए इन योजनाओं को समझने के लिए हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे आपको लेके, जहाँ पे आपको योजनाओं के बारे में बताएंगे और आप समझेंगे कि योजना आपके लिए कितनी सार्थक है या आपके लिए है या नहीं। तो आज हम झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के बारे में आपको बताएंगे। राहत योजना में लाभार्थियों आप मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की जो वेबसाइट पोर्टल है उस पर जाकर अपना से पहले योजना के विवरण में आपको बता दूं, योजना का नाम मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना आरंभ हुई थी 2022 में और इसमें 3500 रुपए का तत्काल आर्थिक सहायता जो सरकारी विभाग है, इसके नोडल वो कृषि विभाग है झारखंड सरकार के, और इसको आवेदन आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। योजना योजना क्या है इस बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना झारखंड सरकार की इससे वर्ष 2022 में शुरू किया गया। वर्ष 2022 में मानसून का झारखंड प्रदेश में आगमन बहुत देरी से हुआ था, जिसके फसल के आच्छादन में भारी कमी आई और किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। औसत से कम वर्षा होने के कारण झारखंड सरकार द्वारा राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया। कुल 226 प्रखंड में से 154 प्रखंड को बहुत अधिक और 22 दिनों के 226 प्रखंडों के सूखे से आहत किसानों की सहायता करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत प्रदेश के सूखे से आहत किसानों और कृषक मजदूरों को तत्काल राहत हेतु 3500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये राशि लाभार्थियों को बैंक खाते में राहत योजना का लाभ लेने के लिए आप वेबसाइट पर ही आवेदन कर पाएंगे। और जैसा कि रिकॉर्ड बताता है कि हमने अभी तक 3 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त किए हैं। किसान को सूखा राहत की राशि कृषक कार्य से जुड़े लोगों की आजीविका सुनिश्चित करना, सूखे की वजहों से किसानों के हुए नुकसान की भरपाई करना, योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना अप्लाई कर सकते हैं। पात्रता क्या है? प्रदेश के कोई भी किसान या कोई भी भूमिहीन कृषक मजदूर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे आपको? आधार कार्ड,
वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता का विवरण और खेत के आप स्वामी हैं इसके लिए खाता के पर्वतीय जमीन कैसे लाभ लेंगे। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ लेने के लिए आपको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन। सबसे पहले पोर्टल पे अपना पंजीकरण कराना होगा। आवेदक अपना पंजीकरण मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से ही कर पाएंगे। उसके बाद आवेदक को जानकारी पोर्टल पर होगी, उसके बाद आप अप्लाई कर देंगे और फिर जो अधिकारी है सत्यापन करेगा। अगर सही पाया जाएगा तो पैसा अब तक लगभग जैसा कहा जाता है कि 30 लाख से अधिक आवेदन मिल चुके हैं। कुल 30 लाख 10,000 आवेदन मिले हैं। लगता है कि आपके लिए सुखाड़ राहत योजना का लाभ ले सकते हैं, आप दर्शक हैं या किसान की छुट्टी हुई है तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। कैसी लगी जानकारी बताइएगा जरूर, और अगर अच्छा लगे तो